हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का भारत संसाधन एवं उपयोग चंद्रिका खंड क इकाई नंबर 1 और चैप्टर का नाम हो गया भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं। यानी कि टोटल हम आपको बता दें बाबू, सोशल साइंस में टोटल 4 भाग होते हैं, उसमें से 3 भाग हम कवर कर लिए हुए हैं और यह लास्ट भाग है। ठीक है बाबू, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप चाहे तो वहीं से जाके कवर कर सकते हैं। ठीक है बाबू। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या सर हमें, यानी कि जो लड़का लोग थे, माने कि टोटल लगभग 2 से 3 हज़ार के आसपास में स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि चंद्रिका के बारे में, यानी कि कमेंट किए हैं क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने वाला स्टूडेंट तेज विद्यार्थी चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं या पुअर स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हो कौन, क्योंकि ये भी एक बहुत रोचक तत्व है। क्योंकि देखो यहाँ से क्या हो जाता है, देखो हम तुमको बताते हैं, आप लोग अभी तक क्या सुनते आ रहे हो कि चंद्रिका इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट पुअर स्टूडेंट होते हैं या फिर पुअर माइंड का स्टूडेंट होता है। ठीक है, तो पुअर स्टूडेंट का मतलब हम तुमको पहले ही समझा दिया है, जब हम पुअर स्टूडेंट कहेंगे तो इसका मतलब ये महत्व समझना कि जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं। ये गलत बात है बाबू, जिसको पढ़ने में ना मन लगे उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, चलो। या फिर कभी कभी आप लोग ये भी सुनते होंगे कि जो छात्र, यानी कि जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है वही छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बाबू, या जो छात्र रेगुलर क्लास छोड़ते रहते वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, वाट एवर एवर। ठीक, इस तरह से यानी कि आप लोग बहुत सारे प्रश्न सुने होंगे चंद्रिका के बारे में। और हम आपको सबसे मजे वाले बात बताने वाले बाबू, ये सब सारा गलत है, क्योंकि यह सब जो शब्द है लगभग आज से अगर आप 50 से 60 साल पीछे जाए तो यह सब वहीं से यह सब प्रचलित है। ठीक है बाबू, और न जाने आज के भी जो नया युवा पीढ़ी लोग है, जो आप लोग क्लास 10th में गए हो, ठीक है, तो वह लोग भी इससे पहले प्रश्न करने से डरते हैं चंद्रिका के बारे में, क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखो आज हम सबसे ज़्यादा खुश इसलिए है क्योंकि आप लोग जो यह प्रश्न किए हो तो हमें बहुत खुशी हुआ। ठीक है बाबू, क्योंकि प्रश्न करने का मतलब ही होता है कि आप आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो। ठीक हो, और यही होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और दुनिया बदल रही है, अगर उस तरह से तुम क्वेश्चन नहीं करोगे अपने आप से या भी किससे भी, अगर जो आपके मन में डाउट आता है तो फिर पीछे रह जाओगे। ठीक है बाबू, इसलिए इसके लिए आपके जो भी मन में प्रश्न आए वह डायरेक्ट आप पूछ सकते हो, हम बताने के लिए पूरी तरह से रेडी है। भले आप कोचिंग में पूछते हो या फिर पूछते हो सर से या भी नहीं पूछते हो, ये हमें यानी कि कोई मैटर नहीं है, माने हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आप सोशल मीडिया के थ्रू यानी कि प्लेटफॉर्म पर आकर पूछते हो यूट्यूब के माध्यम से, तो हम यहाँ पे आपको हर एक प्रश्न का हर एक उत्तर देने के लिए हम ऑलरेडी ही तैयार है। हालांकि आप लोग भी जानते हो कि चंद्रिका के बारे में खुल के बात नहीं किया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि चंद्रिका के बारे में खुल के नहीं बताते हैं। तो देखो बाबू, तो हम आपको तो पहले ही बता दें कि चंद्रिका आप खुल के इस्तेमाल करो, इससे हानि होता ही नहीं होता है, जहाँ तक कि हम आपको बता दें कि यहाँ से लाभ ही होता है, नंबर एक बात। ठीक है बाबू, रह गई दूसरी बात कि आपको मन में ये भी प्रश्न आता ही है या पूछा गया है कि सर चंद्रिका पुअर स्टूडेंट, यानी कि जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता वह छात्र इस्तेमाल करते या फिर जो पढ़ने में तेज होते वह छात्र इस्तेमाल करते हैं। तो बाबू आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, क्योंकि आप लोग जो अभी तक सुनते आ रहे हो, यह सुनते आ रहे हो कि जो चंद्रिका है जिसे पढ़ने में नहीं मन लगता है वही छात्र इस्तेमाल करते, यह आप सुनते आ रहे हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। यानी कि सच्चाई यह है कि जो छात्र पढ़ने में तेज होते हैं वह छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, और कैसे करते हैं यह सब हम पिछला चैप्टर यानी कि पिछले क्लास में हम सब समझा दिए हैं, हम आपको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से वह आपसे भी आगे निकल जाते हैं। देखो एक बार तुम सोच कर देखो, जिस कोचिंग में तुम पढ़ते हो उस कोचिंग में वो भी पढ़ता है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी तुमसे वह छात्र क्यों तेज है, यह कभी सोचे हो? नहीं सोचो। इसलिए हम तुम कभी कभी अपने आप से प्रश्न करो। ठीक है, प्रश्न करने के बाद तुम खुद सोचो, बैठो आराम से, और बैठने के बाद तुम अपने आप से उस प्रश्न का उत्तर यानी कि पाने की कोशिश करो, तो तुमको एक अंदर से उत्तर निकल कर आएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं तुम हर एक चीज पर तुम प्रश्न करो।
तो वही हम बता रहे थे कि जो पढ़ने में बहुत तेज छात्र होते वही चंद्रिका इस्तेमाल करके और आगे निकल जाते हैं। ठीक है बाबू, हालांकि किस तरह से चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं हम सारा कुछ पिछले क्लास में, यानी कि आज से 2 से 3 दिन पहले जो हम क्लास किए हुए थे उसमें हम सारा कुछ डिटेल्स बाय डिटेल्स समझा दिया है। रह गई बात आपके मन में ये भी प्रश्न आते होंगे कि क्या सर यहाँ से, जैसे कि हम आप बोल रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करो चंद्रिका से, यानी कि कोई भी चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी चंद्रिका याद करो, यानी कि हमारा कहना का मतलब है कि आपको कोई भी क्वेश्चन का, कोई भी चैप्टर का, कोई भी क्वेश्चन का आंसर छूट गया तो आप यहाँ से जाके इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके मन में प्रश्न आता है क्या सर यहाँ से जैसे हम क्वेश्चन याद करके और बिहार बोर्ड में लिखेंगे या कोई भी बोर्ड में या कोई भी एग्जाम में लिखेंगे तो क्या सर नंबर वहाँ काट लिया जाता है या फुल दिया जाता है या फिर हाफ दिया जाता है या फिर पूरा काट ही लिया जाता है? तो देखो बाबू, आपके मन में ये भी प्रश्न आता हो तो हम आपको बता दें कि यहाँ से भी अगर आप याद करके, ठीक है, अगर आप याद करके एग्जाम में लिखते हो तो वहाँ पे फुल नंबर दिया जाता है। ठीक है बाबू, और क्यों दिया जाता है तो हालांकि हम तो आपको पीछे मानी पिछले क्लास में सारा कुछ कवर किए हुए तो वहाँ पे फुल डिटेल्स में समझा ही दिए हैं, लेकिन चलो यहाँ भी हम आपको थोड़ा सा हल्का हिंट्स देकर हल्का सा समझा देते हैं। देखो बाबू, जब तुम यहाँ से अगर देखो इस्तेमाल करते हो यानी कि याद करके एग्जाम में लिखते हो, ठीक हो, तो एग्जाम में जब तुम लिखते हो तो देखो इसको हम तुमको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी एक मिनट के अंदर। देखो बाबू, चलो मान लेते हैं कि जो एग्ज़ाम लेते हैं वो अपना क्वेश्चन किसी तरह से सेट किए, जो एग्ज़ाम बोर्ड का जो हेड होंगे वह क्वेश्चन अपना सेट करते होंगे। क्वेश्चन सेट करने के बाद वो तरह से बुझो कि वो एग्ज़ाम हॉल में भेज दिए, जब एग्ज़ाम हॉल में वह क्वेश्चन भेज देते हैं तो आप लोग जाते हो और परीक्षा देकर आते हो। ठीक है, तो परीक्षा देकर जब तुम आते हो तो वह कॉपी कहीं ना कहीं तो चेक होने के लिए चले जाते होंगे किसी सर के यहाँ, वाट एवर कहीं भी जाए, हमसे कोई से कोई लेना देना है, लेकिन किसी सर के यहाँ कॉपी चेक होने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो जब वो कॉपी चेक होने के लिए चले जाते हैं तो जो सर कॉपी चेक करते रहते हैं तो उसको ये मतलब नहीं रहता है कि यह कौन छात्र लिखा है या फिर कितना सुंदर से लिखा है या फिर क्या लिखा, उसको कोई लेना देना नहीं, उस सर को सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न का उत्तर कितनी अच्छी तरह से विद्यार्थी दिया है उसके आधार पर उसको फुल नंबर दिया जाता है। उसको ये मतलब नहीं रहता कि वह चंद्रिका से लिखे हो या किसी गाइड से लिखे हो या फिर अपने मन से लिखो या किसी बुक से लिखे हो या फिर जो सर कोचिंग में लिखाए हो वह लिखे हो, उसको कोई लेना देना होता ही नहीं है कि कहीं से भी तुम लिखो, उस जो सर चेक कॉपी करते रहे उसको कोई लेना देना नहीं होते है। उसको सिर्फ इतना ही मतलब रहता कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन लिख कर आए हो उसके आधार पर आपको फुल नंबर दिया जाता है। ठीक है बाबू, उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि आप क्वेश्चन यानी कि गाइड से लिखो या फिर चंद्रिका से लिखो या फिर बुक से लिखो या फिर अपने मन से लिखो या फिर जो क्वेश्चन में लिखा है सर वह लिखो, उसको कोई लेना देना होता ही नहीं। उसको सिर्फ इतना ही लेना देना होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड यानी कि आप कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन लिख कर आए हो उसके आधार पर आपको फुल नंबर दिया जाता है। ठीक है बाबू, तो अभी तक आप कन्फ्यूज दूर हो गया होगा, तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। रह गई बात, आप इसके बारे में अपवाद सुनते होंगे, यानी कि हम चंद्रिका से यानी बहुत सारे के अपवाद ही सुनते होंगे कि हम चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके गए थे और वहाँ पे सारा क्वेश्चन का जो हम लिख के आए थे उसमें हमको मानी जितना अच्छी तरह से लिख के आए थे उतना नंबर हमको नहीं मिल पाया, इसलिए तुम भी चंद्रिका से याद करके नहीं जाता, यानी कि चंद्रिका पर विश्वास नहीं करना, वाट एवर एवर, इसी तरह से वह जो स्टूडेंट होते हैं अफवाह उड़ाते हैं। तो देखो बाबू, उसके पीछे का हम राज तुमको बताते हैं, वह छात्र क्या होता है, उसको तो सबसे पहले पढ़ने में नहीं मन लगता है। ठीक है, नंबर एक बात, तो जो पढ़ने में नहीं मन लगता है तो वह क्या करते हैं डायरेक्ट, यानी कि जो एग्जाम के हल्का दिन बच जाते हैं, ठीक है, यानी 1 से 2 महीना बच जाएंगे उसमें वो रट्टा मारना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कभी कभी तो रट्टा मारना स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ 1 से 2 बार पढ़ लेते, चंद्रिका को भी 1 से 2 बार पढ़ के और एग्जाम देने चले जाते हैं। तो ठीक वैसा ही स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल में जाते हैं और जब उसके सामने क्वेश्चन पेपर आते हैं तो ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक आने के क्वेश्चन पेपर आने के बाद वो अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो यानी कि उसको लगा रहता कि हम ये तो हम चंद्रिका में पढ़ के आए हुए थे और रियल में पढ़ के गया भी रहता क्योंकि सेम टू सेम मिल जाता है वहाँ पे जाके एक बार। ठीक है, तो उसको लगा रहता है, उसको लगता है कि हम यहाँ पर ये तो पढ़ के आए थे, ये वाला हम पूरा लिख ही देंगे। जब वो लिखने की स्टार्ट करते हैं तो वह 1 से 2 लाइन लिखने के बाद वो भूल जाते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं तो अब वो कैसे छोड़ सकता है उसका, अरे अधूरा तो नहीं छोड़ सकता ना कोई भी साथ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्क है नहीं, तो अब अपना मन से लिखना शुरू कर देता है। जब अपना मन से शुरू लिखना शुरू कर देते हैं तो अपना एक तरह से समझो कि
खिचड़ी बना देते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, जो मन जो लिखकर खिचड़ी ही बनेगा ना। जब खिचड़ी बना देते हैं उसके बाद फिर सर को पीछे करते तो खिचड़ी का क्या जीरो नंबर देता है, वही जब रिजल्ट आता है तो फेल हो जाता है या थर्ड डिवीजन हो जाता है। तो वही छात्र यानी कि अपने आप को खुद बचाने के चक्कर में, यानी खुद को बचाने के लिए और इसी प्रोसेस को बचाने के चक्कर में वो अपवाद उड़ाना शुरू कर देते कि चंद्रिका से याद करके मत जाना, वहाँ नंबर काट लिया जाता है, कभी फूल नहीं दिया जाता है, वाट एवर एवर। यानी कि देखो अपना गलती कभी नहीं बताएंगे कि हम भूल गए थे, तो हम अपना माने कि जो मन जो अपने मन से लिखे थे तो खिचड़ी बना दिए थे, यानी वो सच्चाई बताएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी से बाबू सावधान हो जाओ, ठीक हो। ऐसा ऐसा विद्यार्थी आपको कुछ भी कहो सिर्फ सुन लो और उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। इसलिए हम कहते हैं ना कि तुम बुक रीडिंग करो। बुक रीडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है कि देखो, अगर वही छात्र अगर बुक रीडिंग करके गया रहता तो भूल जाने के बाद भी उस प्रश्न का उत्तर सही सही लिख रहता, लेकिन बुक रीडिंग करके ही नहीं गया रहता है तो अपने मन से क्या लिखेगा, जान ही सकते हो, ठीक है बाबू। तो अभी तक आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है बाबू। तो ऐसा ऐसा स्टूडेंट से बचो, ठीक है, और चंद्रिका खुल के इस्तेमाल करो बाबू, डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, कहीं से कोई नंबर नहीं काटता, ठीक है बाबू। तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो, ठीक है बाबू। तो अभी आप हमें जाने की इजाजत दो, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।